वर्ल्ड कप 2003 में कुछ टीम्स ऐसी थी जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फैंस को उम्मीदों पर खरा उतरकर नहीं दिखाया। उस टीम में से एक टीम का नाम है साउथ अफ्रीका। हालांकि वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है और शायद इसी वजह से बहुत सारे फैंस साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में चोकर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि सेमीफाइनल में, हर बार तो एटलीस्ट यहां पर जब जब वो सेमीफाइनल में पहुंचती तब तब ऐसा होता है कि वहां पर आकर के वो टीम चोक कर जाती। चोक करने का मतलब है कि वहां से आगे नहीं पहुंच पाती है, फॉर सम रीजन वो हार जाती है। और उसके बाद इस बार जब साउथ अफ्रीका खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सबसे मजबूत टीम है। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी ग्रेम स्मिथ ने कहा था कि अभी इस टाइम पर अगर किसी टीम का मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो टीम साउथ अफ्रीका है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ती गई उस तरह से धीरे धीरे फ्लॉप होती गई और फिर जिस टीम को उसने लीग मैच में हराया था उसी टीम से वो सेमीफाइनल में हार गई। और हारने के बाद कप्तान पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि ये वो कप्तान है जो पूरी टीम में सबसे ज्यादा फ्लॉप रहे। जी हाँ, इस बार बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाए, इस बार एक भी अर्धशतक उनकी तरफ से नहीं आया जितने भी मैच उन्होंने खेले। हालांकि बीच में एक आध मैच वो मिस जरूर किया था उन्होंने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद जब वो वापस आए तो कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होता है और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारती है तो कप्तान पर सवाल उठ जाते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक टीम जीतती है तो वाहवाही किसे मिलती है? कप्तान को। लेकिन जब एक टीम हारती है तो सबसे ज़्यादा बुराई किसकी होती है? उसी कप्तान की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एंकर है उस शिप का और अगर शिप डूबेगी तो आप कैप्टन पर ही सवाल उठाएंगे। तो फिर अब टेंबा बबोंग जब सवाल उठाए जा रहे थे, बात ये हो रही थी कि ये कप्तानी छोड़ देंगे और बहुत इस तरह की बातें हो रही थी, तो बबोंग ने खुद सामने आकर के बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टीम में से कोई भी एक खिलाड़ी, अगर वहां पर खड़ा हुआ कोई भी एक खिलाड़ी यह बात कह दे कि तुम कप्तानी के लायक नहीं हो तो मैं अभी कप्तानी छोड़ दूंगा, लेकिन हम ये जो टीम है हम 2020 से साथ में हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या मजबूत, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और हमने इस वर्ल्ड कप में उस टीम को हराया है जो वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम से नहीं हारी थी। उनका इशारा ज़रूर ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से, या फिर अगर आप एवरेज भी देख लेंगे तो वर्ल्ड कप के पहले दूसरे मैच यूजुअली नहीं हारती थी, वो शुरू से डोमिनेट करते हुए आती थी। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया का रवैया थोड़ा अलग था, शुरू में हारी लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी तो वर्ल्ड कप लेकर ही निकल गया। खैर, वापस आते हैं बबुआ पे। तो बबुआ ने कहा कि इस बार हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इस बार हमने किसी भी वर्ल्ड कप से अगर अपनी टीम की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के कंपैरेटिवली इस बार वाली साउथ अफ्रीका ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं, तो यह बताता है कि मेरी कप्तानी कैसी है, क्या है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप यह चाहते हैं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं तो मुझे एक बात बता दीजिए, आखिर कप्तानी को जज करने का क्या पैमाना है आपका? अब किस तरह से कप्तानी को जज करते हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से खेला हमें अपनी तरफ से लगा कि हमने बेस्ट दिया है। अब ये बबुआ का सामने से बयान आया है, आपको क्या लगता है इस बयान पर? क्या बबुआ को और साउथ अफ्रीका की कप्तानी करते रहना चाहिए, या फिर जिस तरह से बाबर आजम और जैसे और कुछ टीम है जिनके कप्तान पर सवाल उठने लगे, एक नाम रोहित शर्मा का भी, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बबुआ का इस तरह से कप्तानी पर बोल्ड बयान देना कितना सही है? क्या बबुआ को अभी साउथ अफ्रीका की कमान संभाले रहना चाहिए? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।